हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से आ जाइए, सभी लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान की। काफ़ी टाइम से ये क्लास रुकी हुई थी, आ जाइए सभी लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। करण जी, राधा जी, बहुत ही बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक मिनट वेट कर लेते हैं जिससे सभी लोग जुड़ जाएँ क्लास के साथ, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। देखो जो ये टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसकी मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ इसके कितने मेंबर्स है, तो यही हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग समता जी, गुड मॉर्निंग राजीव जी। चलिए भाई अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है। तो हमें ये बताना है कि जो सार्क है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है। नई दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलंबो या फिर काठमांडू। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें जिन्हें आंसर पता है वो क्या करेंगे, अपना आंसर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। जिन्हें नहीं पता है भाई, लर्निंग है तो कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, सार्क का स्थायी सचिवालय हमें बताना है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया समता जी, राजीव जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दिया है, नई दिल्ली में है। ठीक, सॉरी, काठमांडू में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, काठमांडू में है सार्क का स्थायी सचिवालय। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया रामनिवास जी, बहुत ही बढ़िया भाई। एक बार इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, सार्क के बारे में। क्या होता है सार्क? ठीक है, सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क की फुल फॉर्म होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कई कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप ध्यान रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसे दक्षेस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो सार्क बस हिंदी में लिख दिया गया है, इसको दक्षेस भी कहा जाता है, दक्षेस। ठीक है, दक्षेस का मतलब क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय और से बनता है आपका संगठन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों नाम, सार्क भी और दक्षेस भी। दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, और सार्क की अगर बात आ जाती है तो भाई इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जिसकी स्थापना हुई थी, यानी कि जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, और डेट क्या थी आपकी? 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसका क्या हुआ था भाई? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में। अब ढाका कहाँ पर है? ढाका है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, जो इसकी मतलब जो इसकी स्थापना हुई थी या फिर पहली बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? ढाका में, और ढाका बांग्लादेश में कब हुई थी? 1985 में। अब बात कर लेते हैं कि इसके कितने मेंबर हैं भाई। देखो इसके कितने मेंबर हैं, इसके टोटल 8 मेंबर हैं। कितने? 8 मेंबर हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अपने देश का नाम लिखते हैं, भारत है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद में आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, मालदीव। म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है, कौन सा सदस्य सार्क का मेंबर नहीं है। कितने हो गए भाई हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पूरे हमारे 8 मेंबर हो गए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 8 मेंबर हैं इसके। सचिवालय हमने देख लिया काठमांडू है कहाँ पर? तो भाई ये नेपाल में है। ठीक है, चलिए जी,
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि जो यूएन की जनरल असेंबली है, ठीक है, तो उसका पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ये सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, तो इन चारों में से हमें बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सेकंड नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये हमें आंसर करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, जल्दी से बताएंगे जिन जिन को पता है। चलो देखो भाई, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है वो सही हो जाएगा। देखो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, सबसे पहले यूएनओ की बात करते हैं, तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संस्था या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी इंग्लिश में ये फुल फॉर्म होती है। तो जो इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले इसके लिए क्या लेकर आया गया था? एक चार्टर लेकर आया था, उसको घोषणा पत्र भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, ठीक है, यूएन चार्टर, ठीक है, उसको यूएन चार्टर का नाम दिया गया। कहीं कहीं पर आपको यूएन घोषणा पत्र भी मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इसकी जो मतलब इस पर साइन किए गए, जो ये लाया गया था, तो ये सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पर आपका? तो भैया यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में है। तो ये जून 1945 में लेकर आया गया था, यानी कि जो डिक्लेरेशन था, ठीक है, चार्टर जो था वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था जून 1945 में, उसमें लाया गया था। उसके बाद में ये 24 अक्टूबर 1945 को कंप्लीट हो गया था, मतलब इस पर 50 देशों ने साइन कर दिए थे, ठीक है, साइन कर दिए थे। तो इसकी मतलब जो स्थापना हो गई थी एक 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग इसकी कब हुई? 10 फरवरी 1946 में, ठीक है, 10 फरवरी 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई। कहाँ पर? तो भैया लंदन में वेस्ट मिनिस्टर, एक जगह का नाम है वेस्ट मिनिस्टर, यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे पहली मीटिंग कहाँ पर हुई? लंदन में हुई थी। अब आपकी बात ये आ जाती है कि मतलब जो यूएनओ के कितने संस्थापक सदस्य हैं, यानी संस्थापक सदस्य उनको कहा जाता है यहाँ पर, जिन्होंने उस डिक्लेरेशन पर क्या किए, उन्होंने साइन किए, ठीक है। तो भाई 51 सदस्य है, 50 देशों ने तो पहले ही कर दिए थे, सबसे लास्ट में किए थे पोलैंड ने, पोलैंड देश है, यूरोपियन कंट्री है, तो इसने साइन सबसे बाद में किए थे और 1946 में किए थे, ठीक है, जब मतलब इसकी स्थापना कंप्लीट हो गई थी तब इसने, पोलैंड ने इस पर साइन किए थे। तो आप ध्यान रखेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी एजेंसी या फिर संगठन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी के आईएफसी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ या फिर इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन यानी के आईसीएफटीयू। तो इन चारों में से हमें बताना है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, एक बार मुझे कमेंट कर देंगे मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर है या नहीं, एक बार जरा मुझे कमेंट कर देंगे कि मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक सही पहुंच रही है या नहीं। तो इन चारों में से हमें बताना है कि भाई कौन सी ऐसी मतलब एजेंसी या संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है एक जो है। एक बार मुझे कमेंट कर देंगे मेरी ऑडियो और वीडियो सही आ रही है आप तक या नहीं। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया भाई। देखो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये यूनाइटेड नेशंस से संबंधित संस्था नहीं है। जो यूनाइटेड नेशंस है यानी कि यूएनओ है, तो भाई 6 संस्थाएं तो खुद यूएनओ की हो गई, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ संस्थाएं हैं जो कि सहयोगी संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, डब्ल्यूएमओ या फिर आपका हो गया आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर यूनियन। इनके अलावा कौन कौन सी है? बिल्कुल एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और कौन सी है? यूनेस्को हो गया आपका, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद में और कौन सा है? यूनिसेफ, यूनिसेफ,
ठीक है। ये भी क्या है इसकी, मतलब और भी काफ़ी सारी एजेंसी हैं, संगठन हैं जो कि यूएनओ की सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा और कौन सा है, आईटीयू, आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, और कौन सा है भाई आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएनओ के सहयोगी के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मेंबर, मतलब इसकी सहयोगी संस्था नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमें मुख्य कार्य बताना है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट्स को लागू करना, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर या फिर सुगम बनाना, तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, व्यापारिक विवाद समझौता कार्यवाही का प्रशासन करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमें बताना है कि भाई जो WTO है उसका मेन कार्य क्या है। तो ये चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। चलिए बहुत बढ़िया, अजय जी, रजनीश जी बहुत अच्छे, राम निवास जी बहुत ही बढ़िया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो इन चारों में से हमें बताना है। चलिए भाई यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर या फिर सुगम बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, ये WTO का मुख्य कार्य है। हालांकि उरुग्वे राउंड्स एग्रीमेंट को लागू करना भी इसका एक मतलब क्या था, मतलब कार्य था, लेकिन वो मुख्य कार्य नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ व्यापारिक विवाद समझौता कार्यवाही को प्रशासन करना, ये भी इसका कार्य है, लेकिन ये मेन कार्य नहीं है। मेन कार्य क्या है, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी क्या जो व्यापार संधि, जो भी टैरिफ और मतलब क्या बोलते हैं आपका, मतलब ट्रेड से संबंधित जो भी नीतियाँ हैं उनको सुगम करना, और साथ में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, यानी कि मुक्त व्यापार को क्या करना, प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, इससे संबंधित है। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या हो गया भाई, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुगम बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो इसकी बात कर लेते हैं, देखो जो WTO है तो इससे पहले एक मतलब एक ट्रीटी काम करती थी, ठीक है, उसको गेट कहा जाता था, GATT। क्या मतलब होता है इसका, इसका फुल फॉर्म जो होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी 1948 में इसको क्या किया गया था, इसको साइन किया गया था, और ये ट्रीटी थी, बेसिकली क्या थी, एक ट्रीटी थी, यानी कि एक संधि थी, ठीक है, 1948 से ये प्रभावी थी। तो इसी के अनुरूप क्या हो रहा था, जो भी विश्व में यानी कि मतलब एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार था इसी के अनुसार चलता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि भाई आपका जो है 1994 में एक ब्रेटन वुड्स में एक डिक्लेरेशन हुआ, उसको क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स डिक्लेरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार 1 जनवरी 1 जनवरी 1995 यानी कि 1995 में स्थापना होती है किसकी, WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अब क्या अंतर है, देखो जो गेट था ये क्या थी, एक ट्रीटी थी, एक संधि थी, लेकिन जो WTO है ये एक संस्था है जो कि वर्ल्ड लेवल पर काम करती है आपकी, किससे संबंधित, व्यापार से संबंधित, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, तो WTO की स्थापना होगी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो भाई इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर, जेनेवा में। कहाँ पर है जेनेवा, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, जेनेवा में हो गया, ठीक है। ये आपसे पूछे जाते हैं कि भाई जो ये WTO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई याद रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, जेनेवा में है, ठीक है। चलिए अगर इसके मेंबर्स की बात करूं तो इसके कितने मेंबर हैं टोटल, अभी इसके वर्तमान में कितने मेंबर हैं भाई, 164 इसके मेंबर हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण होते हैं,
कृषि में रोजगार बढ़ाने के लिए, उधारकर्ता देश की निर्यात अर्जन क्षमता बढ़ाने के लिए, आय वितरण की असमानता कम करने के लिए, या फिर पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इन चारों में से आप बताएंगे कि जो विश्व बैंक देता है कौन से वाले ऋण, संरचनात्मक समायोजन ऋण जो होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, बताइए जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए भाई। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है, इसके आप बताएंगे कि ये जो ऋण देता है संरचनात्मक समायोजन ऋण, तो वो किसके लिए दिए जाते हैं। बहुत अच्छे रामनिवास जी, मनु भाकर जी, बहुत ही बढ़िया, सत्यम वर्मा जी, राजीव जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी भाई, हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो वर्ल्ड बैंक देता है संरचनात्मक समायोजन ऋण, तो वो किस लिए होते हैं, पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वो ऋण दिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक मेनली क्या है भाई, ये दो एक संस्था है, ठीक है, दो संस्थाओं का एक क्या है भाई, मतलब उन्हीं को मिला जुला कर क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। कौन कौन सी हैं, एक तो है IBRD और दूसरी क्या है, IDA, यानी कि IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा कौन सी है, IDA, ठीक है, IDA यानी के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दोनों को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, IBRD और IDA को मिलाकर, ठीक है। अगर IBRD की बात करें तो भाई इसके कितने मेंबर हैं, इसके 189 मेंबर हैं, ठीक है, 189 इसके कितने सदस्य हैं, ठीक है, और IDA के 173 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये इनके सदस्य हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक कहा जा रहा है, ठीक है। अगर इसके हम भाई मतलब बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो IBRD और IDA दोनों की ही स्थापना कब की गई थी, 1944 में की गई थी, जुलाई 1944 में की गई थी स्थापना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर करेंगे जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए जी, अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जो वर्ल्ड बैंक है, तो भाई ये पांच संस्थाओं का एक क्या है, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक अलग संस्था है, ठीक है, उसमें वर्ल्ड बैंक एक मेंबर है, ठीक है। तो कौन कौन सी आई होप आपको वीडियो जो है वो क्लियर दिखाई दे रही होगी अब। चलिए जी, बिल्कुल 7 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, सार्क का मुख्यालय स्थित है, तो कहां पर स्थित है सार्क का मुख्यालय, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी सचिवालय कहां पर है, स्थायी सचिवालय, ठीक है, स्थायी सचिवालय या फिर सचिवालय मुख्यालय, ठीक है, या फिर हेडक्वार्टर, तो कहाँ पर है भाई, ये काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल में। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, जिससे आपके मन में क्या हो कि कंफ्यूजन पैदा हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, काठमांडू में, ठीक है, साउथ एशियन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आप ध्यान रख लेना। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है, तो आपको बताना है कि यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है, 7, 8, 4 या फिर 6, तो इन चारों में से आप बताएंगे कि यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत होते हैं। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, देखो जो यूएन चार्टर होता है उसमें कितने सिद्धांत है, उसमें 7 सिद्धांत है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। यूएन चार्टर है जो, उसकी धारा नंबर 1 में कहा गया है, धारा
फर्स्ट में कहा गया है कि जो भी यूनाइटेड नेशंस के या फिर यूएन के जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, तो भाई वो इसके जो भी यूएन चार्टर के उद्देश्य दिए गए हैं या फिर लक्ष्य दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या है, कंपलसरी है, जो भी यूएन का मतलब मेंबर होगा, जो भी इसके सदस्य होंगे, तो इसको इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो मानने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा, यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि भाई मैचिंग करनी है हमें, एक तरफ क्या दिए गए हैं, संस्था या फिर समूह दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय दिए गए हैं, तो हमको मैचिंग करनी है। चलिए जी, देखो जो आईएमएफ है, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है भाई, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का अभी हमने पढ़ा कहाँ पर है, जनेवा में है, ठीक है। एडीबी की बात करें, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, फिलीपींस में, जो है कौन सी है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। सार्क हम देख चुके हैं भाई, सार्क का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, ठीक है, थर्ड का डी, ठीक है। तो भाई आपका जो है ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, ठीक है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो भाई आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ये बताना है ओपेक यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है तेहरान में, वियना में, बगदाद में या फिर अबू धाबी में, तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है ये हमें आंसर करना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, वियना। वियना कहां पर है आपका, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया, तो इसकी राजधानी है वियना, तो भाई यहाँ पर ये अवस्थित है। क्या इसका हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ओपेक, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि भाई इसमें कितने मेंबर्स हैं, अगर इनके सदस्यों की बात करें, किसकी सदस्यों की बात करें, कितने सदस्य हैं अभी इसमें, 13 सदस्य हैं, कितने भाई, 13 सदस्य हैं, मेंबर्स जो हैं ओपेक के कितने हैं, 13 हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर इसके बात करें कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1961 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर, बगदाद में, ठीक है। बगदाद कहाँ पर है, बगदाद आपका है इराक में, ठीक है, इराक की राजधानी है ना, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी ओपेक की। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया, वियना में यानी कि ऑस्ट्रिया में। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखो इसमें ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओपेक में कितने मेंबर्स जो हैं, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से हैं, तो एक बार इसके मेंबर्स देख लेते हैं कि जो ये 13 मेंबर हैं कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले लिख लेते हैं अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, अंगोला, दोनों ही अफ्रीकी कंट्री हैं ये, ठीक है, इक्वेटोरियल गुएना, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और कौन सी रह गई हमारी, कोंगो गणराज्य, ठीक है। ये सभी तो होगी इसमें अफ्रीका से संबंधित, जो भी अफ्रीकी कंट्रीज है, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गुएना, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया और कोंगो गणराज्य, ये सभी जो हैं अफ्रीका महाद्वीप की हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इनके अलावा और कौन कौन से हैं, आपका ईरान है एक, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और इसके अलावा कौन सा है आपका, UAE, ठीक है, UAE यानी कि यूनाइटेड अमीरात्स ऑफ अरब, ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE और ये बाकी जो कंट्रीज हैं ये होगी आपकी अफ्रीका की। टोटल अफ्रीका की 7 कंट्रीज हैं, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, बाकी जो हैं ये
कहाँ के हैं, ये मिड एशिया में आते हैं आपके, ठीक है, मिड एशिया या फिर एशिया भी आप कह सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी एक और देश रह गया भाई आपका, वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है जो कि कहाँ से है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। कहाँ से भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को। एयर समिट यानी कि वायु शिखर, रिसोर्स समिट संसाधन शिखर, अर्थ समिट भूमि शिखर, या फिर वाटर समिट जल शिखर। तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं बताया है मनु भाकर जी, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। चलिए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, अर्थ समिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थ समिट यानी कि भूमि शिखर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था भाई ये, 1992 में हुआ था। कब, 1992 में, कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, कहाँ पर है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, ठीक है। तो वहाँ पर सम्मिट हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की सम्मिट हुई थी 1992 पे, किस लिए हुई थी, सतत विकास को लेकर, साथ ही साथ कि हमारी जो पृथ्वी है वो प्रदूषण का एक घर ना बन जाए, इसीलिए पर्यावरण और विकास पर क्या करने के लिए, चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। साथ ही साथ सतत विकास से भी संबंधित है और एजेंडा 21 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एजेंडा 21 इसी वाली सम्मिट में अपनाया गया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। तो इसको क्या कहा गया था, इसको भूमि शिखर या फिर पृथ्वी शिखर भी इसको कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर कई नाम से जाना जाता है। 2012 में इसको 20 साल हो गए थे, तो उस उपलक्ष्य में भी इसमें क्या मनाया गया था, रियो 20+ मनाया गया था, ठीक है। चलिए जी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो आपको बताना है WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कब इसका गठन हुआ, कब अस्तित्व में आया, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब साइन हुआ, किसके नाम पर हुआ, ठीक है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो भाई ये आया था आपका 1995 में, ठीक है, 1995 में आया था ना, ठीक है, जनवरी 1995 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, भारत सदस्य नहीं है, तो आपको बताना है भारत किसका सदस्य नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है G20 का, G8 का, वर्तमान में इसको G7 के नाम से जाना जा रहा है, सार्क का या फिर UN का। तो इन चारों में से हमें बताना है कि भारत किसका सदस्य नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया राम निवास जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है राम निवास जी, राजकुमार जी, अजय जी, सत्यम वर्मा जी, बहुत बढ़िया, करण जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मनु जी बहुत अच्छे, समता जी बहुत ही बढ़िया, चलिए जी क्या बात है, 30 नंबर का आंसर करेंगे, जिसको पता है भारत सदस्य नहीं है। तो किसका सदस्य नहीं है भारत, G20 का, G8 का, सार्क का या फिर UN का। चलिए भाई हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है G8 का या फिर G7 का सदस्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बाकी G20 का भी मेंबर है, सार्क का भी मेंबर है, UN का भी मेंबर है, साथ ही साथ G5 का भी मेंबर है भारत, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे G5 का भी है, G20 का भी है, सार्क का भी है और UN का भी है भारत, इन सब का, तीनों का मेंबर है, लेकिन G8 का मेंबर नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, G8 वर्तमान में, G7 क्या है ये हिसाब किताब, तो भाई इनका देख लेते हैं कि ये G8 है क्या, ठीक है। अब देखो जो G8 है इसकी मतलब जो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, कब हुई थी भाई 1975 में हुई थी, और G6 के नाम से हुई थी, ठीक है, G6 के नाम से हुई थी। इसमें कौन कौन सी कंट्री थी आपका, इसमें फ्रांस था, जर्मनी था,
चलिए जी, बहुत बढ़िया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, इटली था, और जापान, जापान, यूएस और यूके, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और आपका यूएसए, यूके, कितने हो गए? ये हो गए आपके 6 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो इसकी 1975 में स्थापना की गई थी G6 के नाम से। उसके बाद में इसमें दो कंट्री और ऐड हुई, 1976 में ऐड हुआ कौन? कनाडा, कनाडा इसमें ऐड हुआ 1976 में। अब 1997, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1997 में ऐड हुआ इसमें रशिया, ठीक है। अब ये ग्रुप कितना बन गया, टोटल इसमें कितनी कंट्री आ गई? 8 कंट्री आ गई। तो भाई अब ये बन गया G8, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि G8 की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो भाई 1997 में हुई थी, क्योंकि जब G8 तो जब बना ना, जब इसमें रशिया जो है ऐड हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2014 में क्या हुआ कि रशिया जो है बहुत ज़्यादा किसमें था, न्यूज़ में था। क्यों? कि भाई जो क्रीमियाई एक्सपेक्टेशन था उसको लेकर ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि ये क्रीमिया पर एक अपना अधिकार जताना चाह रहा था, ठीक है, रसिया। तो इसको क्या किया, इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। 2014 में रसिया को क्या कर दिया गया, इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, और ये ग्रुप रह गया 7 कंट्रीज़ का। तो इसको नाम दे दिया गया G7, ठीक है, G7 इसको नाम दे दिया गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो कार्बन क्रेडिट है, ठीक है, ये टर्म बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ पर उद्भूत, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट आया था, इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, ये हमें बताना है। बहुत बढ़िया रामनिवास जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे मनु भाकर जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट था वो आया था, उसका ओरिजिन हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की, ठीक है, प्रोटोकॉल की। अब ये तो पता चल रहा है क्योटो कहाँ पर है, जापान में है, तो भाई ये मीटिंग जो है आपकी कहाँ पर हुई होगी, जो मतलब प्रोटोकॉल है वो कहाँ पर साइन हुई होगी, क्योटो में हुई थी, ठीक है। क्योटो कहाँ पर है? जापान में है। कब हुई थी ये देख लेते हैं, तो भाई ये कब हुई थी, 11 दिसंबर 1997, ठीक है, 1997 11 दिसंबर का दिन था, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। इस पर सभी लोगों ने क्या किए थे, साइन किए थे। कार्बन क्रेडिट की ये बेसिकली कंसेप्ट लेकर आया गया था, लेकिन ये प्रभावी कब से हुई, ये इफेक्टिव कब से हुई, मतलब साइन तो हो गई थी 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन ये प्रभावी हुए कब, 16 फरवरी और 2005 को ये प्रभावी हुई, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप ये बताएंगे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया, चीन और स्पेन। ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और सोमालिया। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, उसमें 5 विकासशील देश हैं, और उन मतलब कौन कौन से देश आते हैं इसमें, ब्रिक्स जो संगठन है इसमें हमें बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, कुलदीप जी, रामनिवास जी, बहुत ही बढ़िया, मनु जी बहुत अच्छे, दीप्ति जी बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल भाई। हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका किसके मेंबर हैं, ये ब्रिक्स के मेंबर हैं, ठीक है। अब देखो ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिक्स तो इसके जो मतलब कंट्रीज़ के नेम हैं उनका जो फर्स्ट लेटर लिया गया है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर
साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये पांच मेंबर्स हो गए और ये सारे विकासशील देश हैं, ठीक है। ब्रिक्स मतलब जो ये संगठन है इसमें आते हैं ये। अब इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, भाई ये 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसमें तब चार मेंबर थे, कौन कौन से, ब्रिक, ठीक है। तब इसको ब्रिक कहा जाता था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगले साल यानी कि 2010 में क्या हुआ कि इसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो हमने हम जब पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि सार्क के कौन कौन से मेंबर हैं, आठ मेंबर्स थे। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इसका कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। 16 नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा इसमें सार्क का सदस्य नहीं है। बहुत बढ़िया राम निवास जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। म्यांमार जो है सार्क का मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये सभी जो हैं वो मेंबर है। एक बार और मैं आपको याद दिला देती हूँ, सार्क के जो आठ मेंबर थे भाई कौन कौन से थे, ठीक है। सबसे पहले अपने भारत को लेते हैं, ठीक है। भारत सबसे आसानी से याद रहेगा, भारत के साथ में पड़ोसी देश ले लेते हैं, लेकिन उसमें म्यांमार को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। भारत के मेंबर्स को सॉरी पड़ोसी देश कौन कौन से होंगे, एक तो भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा आपका, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, आठ मेंबर्स हो गए ये टोटल, म्यांमार इसमें शामिल नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएनओ है, उसका एक सुरक्षा परिषद है, ठीक है। तो उसका स्थायी मेंबर किसको बनाया गया था? प्रत्येक महाद्वीप से एक प्रतिनिधि को, द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की पांच बड़ी शक्तियों को, प्रारंभिक संगठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों को, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के धनदाता सदस्यों को। तो आप बताएंगे कि जो सुरक्षा परिषद है, जिसे हम कहते हैं क्या भाई, सुरक्षा परिषद है, जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका स्थायी मेंबर, हम सभी जानते हैं जो सिक्योरिटी मेंबर काउंसिल है, यानी कि जिसे हम कहते हैं सुरक्षा परिषद, ठीक है। ये एक यूएनओ का पार्ट है, ठीक है, यूएन का एक पार्ट है सुरक्षा परिषद। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। अब 15 जो सदस्य होते हैं उसमें से पाँच जो हैं वो स्थायी हैं, परमानेंट हैं, स्थाई, ठीक है। और जो 10 मेंबर हैं तो भाई वो अस्थाई हैं, यानी कि उनको मतलब उनका जो टाइम टेन्योर है वो कैसा है, अस्थाई है, 2 वर्ष के उपरांत पर उनको चुना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ये स्थाई सदस्य हैं पांच, तो उनको किन को बनाया गया था। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर टू हमारे यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र सेनाओं की पांच बड़ी शक्तियों को इसमें स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखो जो यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूएनओ की जो स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा, और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, इसी स्थिति से निपटने के लिए, इसी को संभालने के लिए, इसी स्थिति को यूएनओ की स्थापना की गई थी, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके, ठीक है। तो जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें उन पांच मेंबर्स को स्थायी सदस्य माना गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि मित्र राष्ट्र सेनाओं की पांच बड़ी शक्तियों में थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर टू यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। अब पांच जो ये स्थायी सदस्य हैं, तो ये हैं कौन कौन से, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई यूएसए, बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा, यूएसए हो गया आपका, ठीक है, चीन, रशिया, उसके बाद में आपका फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, ये पांच सदस्य हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं, यूएसए, चीन, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आप ध्यान रखेंगे इनको। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया कुलदीप जी, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता, ठीक है। दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बच्चे के अधिकारों पर यानी कि जो चाइल्ड के एक अधिकार होते हैं, ठीक है, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कन्वेंशन हुआ था, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कि बच्चों के अधिकार में शामिल नहीं माना जाएगा? पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित स्तर और रोजगार,
शोषण से रक्षण, तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा अधिकार है, कौन सा राइट है जो कि बच्चों के यानी के बाल अधिकार में शामिल नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कुलदीप जी, इसमें रशिया और ऐड कर लीजिए, बहुत बढ़िया। 18th काम क्वेश्चन देख रहे हैं, 18th नंबर का, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा अधिकार है जो कि बाल अधिकारों में शामिल नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, रोजगार इसमें शामिल नहीं होगा, पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित स्तर, शोषण से रक्षण, ये तीनों जो हैं चीज़ें कहाँ पर आती है, बाल अधिकारों में आती हैं। ठीक है, बाल अधिकार के अंतर्गत इनको समाहित किया गया है, लेकिन रोजगार को इसमें समाहित नहीं किया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये बाल अधिकार से संबंधित नहीं है, मतलब ये बाल अधिकारों में नहीं आती। अब देख लेते हैं, देखो जो यूनाइटेड नेशंस के बाल अधिकार समझौता था, बेसिकली ये बाल अधिकार समझौता, ठीक है, इसको कब लेकर आया गया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यानी कि यूएनओ के द्वारा 20 नवंबर 1989 को, यानी कि 20 नवंबर 1989 को ये बाल अधिकार समझौते को लेकर आया गया था, यानी कि इसको पारित किया गया था बेसिकली। अगर इसके मेंबर्स की बात करूं, 193 इसके सदस्य थे, मतलब जिन्होंने इस पर साइन किए थे। ठीक है, इस समझौते का क्या किया था, इनको अपनाया था, माना था इस समझौते को, 193 सदस्य थे। ठीक है, अब इसमें ना दो कंट्रीज़ नहीं आती जो कि इसको नहीं फॉलो करती, एक तो यूएसए और एक सोमालिया। यूएसए से हम परिचित हैं, ठीक है, इसका नाम हम सुनते रहते हैं। सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकी कंट्री है एक ये, ठीक है, सोमालिया। तो ये दो देश हैं, यूएसए और सोमालिया, इन्होंने इस पर साइन नहीं किए हैं अब तक बाल अधिकार समझौता पर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये वाली बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब जो है ये बाल अधिकार जो समझौता था, ये चार सिद्धांतों पर काम करता है। चार सिद्धांत कौन कौन से हैं भाई, वो चार सिद्धांत हैं। एक है आपका जीने का अधिकार, कौन सा, जीने का अधिकार, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, रामनिवास जी, राधा जी, सत्यम जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए दूसरा आ जाता है आपका सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार। थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका विकास, और फोर्थ नंबर पर आ जाता है आपकी सहभागिता। ठीक है, ये चार जो है इनके कंसेप्ट हैं, सहभागिता, जिन पर ये कार्य करता है बाल अधिकार समझौता, जो कि आधारित है इन चार सिद्धांतों पर, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास और सहभागिता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर काम कर सकता है, तो आपको बताना जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल होता है यानी कि महासचिव होता है, कितनी अवधि तक, कितने मतलब टाइम पीरियड होता कि वो अपने पद पर काम कर सकता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है, बताइए जी। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर कार्य कर सकता है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 वर्ष का। इसका जो टेन्योर होता है, जो इसके कार्यकाल की अवधि होती है, कितनी होती है भाई, 5 वर्ष होती है। ठीक है, 5 वर्ष होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ये महासचिव होता है, तो ये भाई यूएनओ जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब, इसके अंडर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन है वो कार्य करते हैं, तो महासचिव इसका सबसे ऊँची पोस्ट होती है, यानी कि सर्वोच्च अधिकारी कह लीजिए आप। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होता है महासचिव, तो आप ये ध्यान रखेंगे। 5 साल का इसका टेन्योर होता है, और इसकी जो जो इसकी नियुक्ति करी जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, महासभा के द्वारा। महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और रिकमेंडेशन ली जाती है किसकी भाई, रिकमेंडेशन ली जाती है सुरक्षा परिषद की, सुरक्षा परिषद यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, उससे रिकमेंडेशन ली जाती है और महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अभिज्ञात संस्कृति स्थान नहीं है, तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। हमें ऐसा महाद्वीप बताना है जिसमें यूनेस्को जो है अपने क्या करता है, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत क्या करता है भाई, वो मतलब कुछ चुनिंदा स्थानों को चुनता है जो कि प्राकृतिक दृष्टि से मतलब महत्व के हों, उनकी इम्पोर्टेंस हो, हिस्टोरिकल हो, ठीक है, या फिर कल्चरल हो। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें यूनेस्को की एक भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है अब तक। ठीक है, आगे हो जाए तो पता नहीं,
तो इन चारों में से हमें बताना है। चलिए, हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी यूनेस्को का मान्यता प्राप्त अभिज्ञात संस्कृति स्थान नहीं है, यानी कि यूनेस्को की कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो सही होगा, दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अफ्रीका में आप इससे ध्यान रख सकते हैं, जो मिस्र के पिरामिड है वो लिए गए हैं। ठीक है, मिस्र जो आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप में आता है, लेकिन जो दक्षिण अमेरिका है उसमें कोई भी ऐसा मोनूमेंट या फिर मतलब कोई भी ऐसा स्थल नहीं लिया गया है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हो यूनेस्को ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सी ऐसी संस्था या संगठन है जो कि किसके साथ संबंधित नहीं है, यूएनओ के साथ, संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है, ILO, WHO, FAO या फिर आसियान। तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। 21st नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका हमें आंसर करना है। बहुत ही बढ़िया राधा जी, अजय जी, कैलाश जी, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं करी है वीडियो को लाइक, और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से हमें बताना है। बहुत बढ़िया मनु भाकर जी, रामनिवास जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दिया है। कैलाश जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, आसियान। आसियान क्या है कि भाई एक रीजनल आपका कह लीजिए संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का संगठन नहीं है। तो भाई ये यूएनओ से संबंधित नहीं है, जबकि ILO, WHO, FAO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है किससे संबंधित हैं, ये यूएनओ से संबंधित हैं। ठीक है, यूएनओ की सहयोगी संस्था के रूप में ये कार्य करती हैं। लेकिन जो आसियान है, आसियान की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, ठीक है, आसियान, ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आसियान की द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये संबंधित नहीं है किससे, यूएनओ से ये संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखा जाए बेसिकली साउथ ईस्ट यानी कि जो है दक्षिण पूर्वी हमारे राष्ट्र हैं उनसे संबंधित ये एसोसिएशन है। ठीक है, इसके टोटल मेंबर्स अगर मैं बात करूँ, कितने मेंबर इसके हैं, 10 मेंबर हैं टोटल। ठीक है, 10 मेंबर हैं, आप ध्यान रखेंगे, और 2 इसके ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, जिन्हें हम पर्यवेक्षक कहते हैं हिंदी में, पर्यवेक्षक। 10 इसके सदस्य हो गए, 2 इसके पर्यवेक्षक हो गए। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगर इसकी बात करूं कि भाई इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वैसे तो 1961 में इसको मतलब लेकर आया गया था, लेकिन एक तरह से पूर्ण रूप से कहा जाता ना कि पूर्ण रूप से इसकी जो स्थापना हुई वो 1967 में हुई। कब? 1960, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रामनिवास जी, जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यूएनओ के जो भी 6 अदर क्या होती है उनकी जो अंग कहते हैं, उनको ऑर्गन कहते हैं यूएनओ के। ठीक है, उनके उनमें से भी 5 के जो हेडक्वार्टर हैं कहाँ पर हैं, वो भी न्यूयॉर्क में है। केवल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो उसका केवल नीदरलैंड में है, द हेग में है, बाकी सबके न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए हम आसियान के बारे में बात कर रहे थे भाई, 1967 में क्या था, इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पर, इसकी स्थापना की गई थी, तो भाई इसकी स्थापना जो है वो 1967 में की गई थी। इसके 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य कौन कौन से हैं, तो भाई उनके नाम ले लेते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके 10 मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर है एक तरह से। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है भारत, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी या फिर सन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। तो इन चारों में से हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जो जनरल असेंबली है संयुक्त राष्ट्र की, उसने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था 1945, 1948, 1952 या फिर 1955। तो इन चारों में से हमें बताना है कब ऐसा किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो जो सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा है तो हम इसको इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, UDHR, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, जो इसको अंगीकार किया था या फिर इसको अडॉप्ट किया था, पारित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी कि जनरल असेंबली ने, कब किया था भाई, 1948 में। कब किया था, 1948 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, 1948 में इसको क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था। पर्टिकुलर डेट जो थी वो क्या थी, 10 दिसंबर 1948 में। कहाँ पर किया था, तो पेरिस में किया था। पेरिस कहाँ पर आता है आपका, फ्रांस में आता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसी के बेस पर UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। कब भाई, 2006 में। पर्टिकुलर डेट क्या थी वो, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 2006 में क्या किया गया था, UNHRC की स्थापना की गई थी। इसी को बेस मानकर, UDHR को बेस मानकर। अगर UNHRC का हेडक्वार्टर की बात करूँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर आता है, ये स्विट्जरलैंड में आता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना। अभी मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम, जिनेवा, वॉशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क। तो इन चारों में से हमें बताना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आपको आंसर करना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चार ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में अवस्थित है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी हमने बात ही कर ली कि भाई ये 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को हम इसीलिए क्या मनाते हैं, UN दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, इसीलिए क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप ये बताएंगे, इसकी मैं बात कर चुकी हूँ आपसे। WTO का मुख्यालय है कहाँ पर, न्यूयॉर्क, दोहा, उरुग्वे, जनेवा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए जी, इन चारों में से हमें बताना है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO यानी के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेकर आया गया था गेट के नाम पर। ठीक है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जनेवा। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में है। और जनेवा कहाँ पर आता है आपका, स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1995 में। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था, कोफी अन्नान, बुतरस घाली, नेल्सन मंडेला, विन्नी मंडेला। तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। बहुत बढ़िया, 25th नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आपको आंसर करना है। बताइए, बहुत बढ़िया रामनिवास जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, बुतरस घाली। ठीक है, ये नाम है बुतरस घाली, और ये महासचिव बने थे पहले, मतलब महासचिव बनने वाले पहले अफ्रीकी थे।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 1992 से लेकर के 1996 तक ये रहे थे, मतलब यूएनओ के महासचिव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो बुतरस घाली थे ये किस देश के थे, तो दक्षिण अफ्रीका के थे। कब कहाँ के थे भाई, सॉरी दक्षिण अफ्रीका नहीं, मिस्र के ये थे बुतरस घाली। 1992 से लेकर के 1996 तक ये महासचिव रहे, सेक्रेटरी जनरल रहे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अब जो 96 के बाद में आए आपके 1997 से जो मतलब महासचिव बने, कौन बने, कोफी अन्नान। अब जो कोफी अन्नान थे ये भी अफ्रीकी थे, ठीक है, ये भी अफ्रीकी थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अब जो कोफी अन्नान का कार्यकाल शुरू होता है 1997 से लेकर के 2000 तक रहे, 2002 तक, और उसके बाद 2002 के बाद भी 2007 तक ये क्या रहे भाई, महासचिव रहे। दो बारी इनको चुना गया था, ठीक है। ऐसा मतलब हो सकता है कि अगर कोई महासचिव बना है यूएनओ का तो उसको दोबारा भी क्या किया जा सकता है, मतलब उसको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। तो कोफी अन्नान, इनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, ठीक है, कोफी अन्नान की। तो ये 1997 से लेकर के 2007 तक बने रहे थे महासचिव यूएनओ के, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, तो भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ ये आप बताएंगे, वर्ष 1945, वर्ष 1947, 1950 या फिर 1954। तो इन चारों में से हमें बताना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। चलिए बहुत ही बढ़िया, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था इसका हमें आंसर करना है। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1945 में, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, वर्ष 1945 में, जब इसका डिक्लेरेशन आया था, मतलब जो चार्टर था जिस पर साइन करने थे, सैन फ्रांसिस्को की जो मीटिंग थी, सम्मेलन था वहाँ पर जिस पर साइन किए गए थे, तो भारत एक संस्थापक सदस्य था, तो भारत ने तभी इस पर साइन किए थे, ठीक है। तो ये 1945 से ही मेंबर है, किसका, संस्थापक सदस्यों में आता है भारत, तो 1945। चलिए जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर वन हमारा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र में कितने मेंबर्स हैं, तो भाई 193 मेंबर हैं, ठीक है, कितने 193 मेंबर हैं, जो सबसे लास्ट का यानी कि 193वां मेंबर था कौन था, तो भाई ये था आपका दक्षिणी सुडान, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे 193वां मेंबर है ये। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, तो आप ये बताएंगे कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, इसको हम हिंदी में राष्ट्र संघ भी बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, राष्ट्र संघ है केवल, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, 10 फरवरी 1920, 10 फरवरी 1919, 10 जनवरी 1920 या फिर 1 जनवरी 1920। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे रामनिवास जी, वो दक्षिण सूडान है, ठीक है, सूडान उसका पहले से था, दक्षिण सूडान उससे स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, सूडान से मतलब अलग हुआ था, दक्षिण सूडान एक नया देश बना था तो वो शामिल हुआ था। चलिए जी बहुत बढ़िया, अब हमें बताना है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 फरवरी 1920, ठीक है, 10 फरवरी 1920 को स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस की, और इसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान था किसका, वुड्रो विल्सन, जो भी आप लोग मतलब कभी किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो, ठीक है, उसमें इनका नाम बहुत आता है, ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस के जनक, वुड्रो विल्सन को। ये कौन थे, ये मतलब 1920 में भाई जब इसका गठन हुआ था लीग ऑफ नेशंस का, तो ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वुड्रो विल्सन है उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में अपना योगदान दिया था, उनका काफ़ी नाम है, और इसीलिए उनको कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस के जनक, उनको कहा जाता है, यूएसए के तब ये राष्ट्रपति थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है, जो यूएनओ है हमारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो पहले नाम था वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये नाम इसको किसने दिया, ये नाम इसको दिया रूजवेल्ट, ठीक है, इनका पूरा नाम तो मेरे को पता नहीं, रूजवेल्ट ये कौन थे, तो भाई ये 1945 के टाइम पर, ठीक है, 1945 के टाइम पर क्या थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने ही नाम दिया था यूएन का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का।
रूजवेल्ट, ध्यान रखेंगे आप। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो भाई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का आपको बताना है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको बताना है मनीला में, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या फिर जनेवा, तो इन चारों में से आपको बताना है। बताइए, मोहम्मद माजिद जी, राजीव जी, रामनिवास जी, समता जी, बहुत ही बढ़िया, सत्यम वर्मा जी बहुत अच्छे, मनु भागर जी बहुत ही बढ़िया, बताइए जी। 29th नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बहुत बढ़िया मनु भाकर जी, प्रिंस कुमार जी, राजीव जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो गया। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अभी हमने देखा था कि इसमें जो सुरक्षा परिषद थी किसकी? संयुक्त राष्ट्र की, सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसमें 5 सदस्यों को क्या बनाया गया था, उनका मतलब स्थायी सदस्य बनाया गया था, और जो वो 5 सदस्य थे वो किससे संबंधित थे? जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र जो शक्तियाँ थी उनका मतलब क्या किया था, उनका प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था। तो आपको बताना है कि कौन सा सदस्य नहीं है जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, यूएसए, तो इन चारों में से कौन सा है? चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका स्थायी मेंबर नहीं है, सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ की, सिक्योरिटी काउंसिल, उसका स्थायी मेंबर कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूके है, फ्रांस है, यूएसए है, इसके अलावा कौन सा है आपका? चीन है और रूस है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 5 मेंबर्स हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। 31st नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा ने कब अपनाया था? तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का जो फ्लैग है, ध्वज है, वो महासभा यानी कि जनरल असेंबली जो है यूएनओ की, उसने कब अपनाया था? 24 अक्टूबर 1947, 1 जनवरी 1952, 24 जून 1973 या फिर 15 अगस्त 1982, तो इन चारों में से हमें बताना है। चलिए जी बहुत बढ़िया, कार्तिक जी उड़ीसा से हैं, बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज महासभा ने कब अपनाया था? तो इन चारों में से हमें आंसर करना है, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो फ्लैग है वो महासभा ने, जनरल असेंबली ने 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया था। अब देख लेते हैं, देखो जो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है, फ्लैग है, वो किस प्रकार का है? तो भाई वो कुछ कुछ ऐसा है कि आपका जो स्काई ब्लू होता है, कैसा? स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू, ये क्या लिख दिया, स्काई ब्लू कलर का क्या है बैकग्राउंड होता है उसका, उसमें वाइट कलर से जो है वो क्या बनी रहती है, वाइट कलर से आपकी ओलिव ऑयल्स ना कुछ इसी उसमें, ओलिव जो मतलब जैतून होता है उसकी पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, वो बनी रहती हैं, ठीक है, किस किस कलर से? वाइट कलर से, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है, वाइट कलर से वो पत्तियां बनी होती हैं, मेरे को बनानी नहीं आती, ठीक है, नहीं तो मैं बनाती। और उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में होता है वर्ल्ड, मतलब जो पूरा हमारा वर्ल्ड मैप होता है, ठीक है, पूरे विश्व का जो मैप होता है वो उसके बीच में होता है, उसके जो है चारों तरफ, मतलब चारों तरफ क्या, उसके दोनों तरफ क्या होती हैं, जो ओलिव, ओलिव जो एक पेड़ होता है, जैतून एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियां होती हैं। तो बेसिकली ये जो ओलिव की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां होती हैं, वो क्या मानी जाती हैं? वो शांति का प्रतीक मानी जाती हैं, ठीक है, शांति का प्रतीक मानी जाती है। तो ये मतलब पूरे विश्व का जो मैप है वो बीच में लिया गया है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में एक तरह से शांति बनी रहे, इसका मतलब जनरल मतलब तो यही है। तो ये 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया मनु भाकर जी, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। दक्षेश यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय
सहयोग संघ, तो इन चारों में से हमें बताना है, सॉरी इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो, बताइए जी। 32 नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। जब मैं आपको बता रही थी सार्क के बारे में, तो मैंने इसको नाम बताया था आपको कि सार्क को हम दक्षेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, चलिए जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल कार्तिक जी, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग एग्ज़ाम से मैंने लिए हैं, ठीक है। और ये मतलब हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के एक क्वेश्चन तो आपका मिल ही जाता है, मतलब अगर आपका जो है एसएससी रेलवे तो उसमें दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वरना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो भाई जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था सार्क का, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, ढाका में हुआ था। काठमांडू में इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ढाका में इसका सम्मेलन हुआ था पहला 1985 में, कब, 1985 में, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन आपको आई होप छोटा दिख रहा होगा तो मैं पढ़ देती हूँ, आईएमएफ, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, चार स्टेटमेंट दी गई थी इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना, व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना, या फिर प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास को कम करना। तो इन चारों में से हमें बताना है कि किन ऑब्जेक्टिव के लिए आईएमएफ की स्थापना की गई थी, तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी आईएमएफ की जो स्थापना थी वो किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया राधा जी, रामनिवास जी, सुरेश जी, मनु भाकर जी, थैंक यू सत्यप्रकाश जी, थैंक यू सो मच। चलिए भाई देखो, जो आईएमएफ की स्थापना की गई थी वो किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना, व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना, ठीक है, ये तीन ऑप्शन है। प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्यह्रास को कम करना, ये इसका कोई मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो आपके केवल तीन स्टेटमेंट ही काम आती हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर वन कहता है, ठीक है। तो आईएमएफ की जो स्थापना की गई थी, तो भाई कब की गई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को, 1945 को, ठीक है। एक ब्रेटन वुड्स, ठीक है, मैंने ये बताया था जब मैं वर्ल्ड बैंक आपको बता रही थी, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, यूएसए में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इस पर ना एक डिक्लेरेशन भी आई थी, एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र आया था जिसके अंतर्गत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1944 में। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ की जो स्थापना हुई है वो किसको आधार मानकर हुई है, तो ब्रेटन वुड्स आपका सही आंसर हो जाएगा, 1944 में इसकी ये डिक्लेरेशन आई थी, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन आई, इसके आधार पर 27 दिसंबर 1945 को क्या हुआ, आईएमएफ की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हो गई, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, जो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन में डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि जो इसके मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स टोटल कितने हैं, मेंबर्स इसके 189 यानी कि 189 इसके टोटल मेंबर हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ें, इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मेंबर्स कितने हैं और किस आधार पर इसकी स्थापना की गई, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एक नाम आपने जो है पीछे न्यूज़ में सुना होगा, गीता गोपीनाथ, ठीक है। तो ये जो हमारा आईएमएफ है, तो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री इनको नियुक्त किया गया है, गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की ये हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ आपको बताया नहीं गया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन उसका नाम क्या है, तो भाई ओपेक इसका नाम होता है, हमने अभी डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चंस में।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपको ओपेक दे देता है तो आपका एकदम से दिमाग चल जाता है कि हाँ भाई ओपेक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, लेकिन जब आपको लैंग्वेज सी में लिख के दे देता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए जी बताइए कहाँ पर है? वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में, अबू धाबी में। तो इन चारों में से हमें बताना है। बहुत बढ़िया रामनिवास जी, राजीव जी बहुत अच्छे, समता जी बहुत ही बढ़िया, सुरेश जी बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर वन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ओपेक है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? वियना में। ठीक है, वियना आपका एक ऑस्ट्रिया, कौन, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, इस देश की राजधानी है और ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है। तो वहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में, जनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क यूएसए में, हैग नीदरलैंड में। तो इन चारों में से आपको बताना है, बताइए जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हैग नीदरलैंड में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसको हम ICJ भी बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैग नीदरलैंड में। ये भी एक UNO की क्या है, एक पार्ट है UNO का। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता रही थी कि जो 6 संस्थाएं हैं उनमें से केवल एक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड, हैग में है। ठीक है, और बाकी जो 5 संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में उनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके जो मतलब मेम्बर्स हैं, इसके 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसको चुना जाता है किसके द्वारा? जो इसकी महासभा है और UNO की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ही मिलकर चुनते हैं 15 सदस्यों को, 15 जो सदस्य देश हैं, मेंबर्स जो कंट्री हैं सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब ये 15 तो क्या हो गए? सदस्य देश हो गए, सदस्य देश हो गए। अब इसमें कितने क्या बोला जाता है, कितने इसमें न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, कितने इसमें जस्टिस होते हैं? तो भाई इसमें 18 जस्टिस होते हैं। ठीक है, 18 जस्टिस होते हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल यानी कि उनका टेन्योर कितना होता है? तो उनका 9 वर्ष का टेन्योर होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 18 इसमें न्यायाधीश हो सकते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैग, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर इसकी बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई आपकी 4 नवंबर 1946 को, 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 195 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए जी बहुत ही बढ़िया, 18 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स नहीं होते इसमें, चलिए मतलब जो न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को। ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में, हिंदी में तो लिखी हुई है भाई शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हमें इसका मुख्यालय बताना है, हेडक्वार्टर हमें बताना है, बताइए जी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पेरिस, जनेवा, न्यूयॉर्क, बैंकॉक। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए जी बहुत ही बढ़िया। देखो जो यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। पेरिस कहाँ पर आता है? फ्रांस में आता है। बहुत ही बढ़िया, समता जी, सुरेश जी बहुत बढ़िया, मनु जी बहुत बढ़िया, कार्तिक जी, रामनिवास जी बहुत अच्छे, राजीव जी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। 195 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो पेरिस में मतलब इसका हेडक्वार्टर है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और ये यूनाइटेड नेशंस की यानी कि जो UNO है उसकी एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप ये बताएंगे कहाँ पर स्थित है WHO का हेडक्वार्टर? पेरिस,
फ्रांस, जनेवा, स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन यूएसए, लंदन यूके। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो WHO है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा कहाँ पर आता है, तो वही स्विट्जरलैंड में आता है। तो जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसके संगठन की अगर बात करूँ कि जो इसका स्थापना हुई थी, इसकी जो इस्टैब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है भाई, हेडक्वार्टर है। मतलब ये एक तरह से जो स्वास्थ्य के लिए काम करती है वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, WHO। चलिए जी, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, SCO कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये आप ये बताएंगे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर करना है। 38 नंबर का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बताइए जी। बहुत बढ़िया मनु जी, सुरेश जी, राजीव जी, समता जी, अजय जी, रामनिवास जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO में कौन शामिल है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा इसमें शामिल है, कौन कौन से देश संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। चलिए, बहुत बढ़िया रामनिवास जी, बहुत ही बढ़िया, बताइए जी। चलिए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इन चारों में से हमें बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मतलब थोड़ा इसको टाइम हो गया एग्जाम में आए हुए, ठीक है, तो ये मतलब पुरानी अपडेशन है, इसको नए तरीके से पढ़ते हैं, मतलब इसमें नया देखते हैं क्या अपडेशन हुआ था। देखो, जो SCO है इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म आ जाती है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे जो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को हुई थी, कब हुई थी, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है कहाँ पर है भाई, बीजिंग में है। कहाँ पर, बीजिंग में है, और हम सभी जानते हैं बीजिंग कहाँ पर है भाई, ये चाइना में है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो गया, बीजिंग में हो गया। स्थापना करवा दी हमने कब, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होगी। ठीक है, तो भाई जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कौन कौन मेंबर थे, चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ये ताजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था। ठीक है, ये कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स थे इसमें। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब अगर इसकी मैं बात करूं आज के मतलब तारीख में 2017 में इसमें दो मेंबर और ऐड किए गए थे, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान इसमें ऐड किए गए थे, तो टोटल मेंबर हो जाते हैं इसके कितने, टोटल मेंबर अब हो जाते हैं वर्तमान में कितने मेंबर उसके, 8 मेंबर हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये टोटल इसके 8 मेंबर हो गए। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो इसकी मतलब काम होता है SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो किन लैंग्वेज में होता है, तो भाई किन भाषाओं में होता है, एक तो चीनी भाषा है, ठीक है, और एक रशियन भाषा है या फिर रूसी भाषा कह लीजिए, दो भाषाओं में काम होता है, चीनी और रूसी भाषा में। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये SCO की, तो आप ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो SCO है यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हम संघाई पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संघाई पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अपसार संधि NPT पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो किसने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, कनाडा ने, चीन ने, भारत ने, या फिर यूनाइटेड किंगडम ने, तो इन चारों में से हमें बताना है। NPT जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु अपसार संधि, ठीक है, तो इस पर किसने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, साइन नहीं किए हैं इस ट्रीटी पर, तो इन चारों में से हमें बताना है, बताइए जी। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, भारत ने अभी तक NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, अब NPT के बारे में देख लेते हैं भाई, ये NPT है क्या। ठीक है, हिंदी में तो हमने पढ़ लिया परमाणु अपसार संधि। ठीक है, इंग्लिश में जो इसकी है फुल फॉर्म कई बार पूछने को आ जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, तो भाई ट्रीटी ऑन, बहुत बढ़िया,
ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, बेसिकली जो नाभिकीय एक हथियार होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनके उनका जो है ज़्यादा मिसयूज ना हो। ठीक है, उनका मिसयूज ना हो, ज़्यादा क्या, उनका मिसयूज ना हो, इसीलिए ये ट्रीटी लेकर आ गई थी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है NPT की। ठीक है, अब इसको जो साइन किया गया था, कब किया गया था, 1968 में इसको साइन किया गया था, और साइंड इसको किया गया 1968 में, लेकिन जो ये इफेक्टिव हुई यानी कि ये प्रभावी हुई, प्रभावी ये किसी ईयर से हुई, 1970 से ये प्रभावी हुई। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब इसके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस पर साइन कर दिए, कितने मेंबर हैं टोटल, 190 मेंबर्स ने, 190 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए NPT। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जब कोई NPT पर हस्ताक्षर कर लेता है, ना तो वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, ना तो वो हथियार बना सकता है, ना ही उनका परीक्षण कर सकता है, मोटा मोटा आप ये कह लीजिए। ठीक है, तो इफेक्टिव होगी 1970 से, 190 देशों ने इस पर साइन कर दिए हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि किन किन देशों ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं। ठीक है, तो भाई किन किन देशों ने नहीं साइन किए हैं, सबसे पहले अपने इंडिया को लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई इंडिया हो गया आपका, ठीक है, इंडिया के बाद में पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इजराइल, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, और साउथ सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, 1 2 3 4 5 पांच मेंबर हैं, मतलब देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, अभी तक इन इन कंट्रीज़ ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। पाकिस्तान तो ये कहता है जब इंडिया कर देगा तभी हम कर देंगे। ठीक है, तो भाई इन पांच मेंबर्स ने नहीं किए हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब भारत ना दे करके और कोई ऑप्शन आ जाए कि किसने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने अभी तक साइन नहीं किए हैं NPT पर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आप ये बताएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल होता है UNO का, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। तो इन चारों में से आपको आंसर करना है, ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आपको, तो इसका जल्दी से आंसर करेंगे भाई सभी लोग, बताइए। बहुत बढ़िया मनुम जी, बहुत बढ़िया, एक बार ऑप्शन जो है वो देख लेंगे आराम से। ठीक है भैया, हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है, लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं तो वो हमें एक कंप्लीट फॉर्म का क्या देता है, मतलब एक आभास कराता है कि हाँ ये कंप्लीट आंसर है, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सिफारिश यानी कि उसकी रिकमेंडेशन पर महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये कहता कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भाई अगर ये होता बाई चांस, ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता, तो महासभा इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है वो एक कंप्लीट दे रखा है एलाबोरेशन करके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आपका ये SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भाई मैं ये नहीं कह सकती कि भाई क्वेश्चन गलत है या फिर इसके दो ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है हमें एक सही आंसर देता है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो इन चारों में से हमें बताना है, भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान, तो इन चारों में से हमें बताना है भाई कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान, तो इन चारों में से कौन सा नहीं है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो, चलिए जी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, भारत, मालदीव, भूटान, ये सभी सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए जी भाई मैं गेम नहीं खेलती, ठीक है, एग्जामिनर आपसे गेम खेल लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा देश है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है, कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस,
बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चीन जो है ये आसियान का सदस्य देश नहीं है, मतलब सदस्य नहीं है। कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ये तीनों देश हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है। मैंने आपको बताया था ब्रेटन वुड्स 1944 में आया था, ठीक है, और उसके द्वारा IMF की एक स्थापना की गई थी और एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है। बाकी क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसे हम बोलते हैं, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये दोनों संस्था जनरेट हुई, इनका मतलब जो है इनकी स्थापना की गई ब्रेटन वुड्स, ठीक है, इसके ये जो सम्मेलन हुआ था इसके बाद में 1944 में ये सम्मेलन हुआ था। आर्थिक सहयोग और जो विकास संगठन है इसकी स्थापना, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये ब्रेटन वुड्स संस्थान है, ठीक है, ये ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है साउथ साउथ संवाद, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। विकासशील देशों में सहकारिता, सच सम्मेलन, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच शिखर बैठक, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से हमें बताना है कि साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए जी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। साउथ साउथ संवाद में किस मतलब किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकासशील देशों में सहकारिता। ठीक है, विकासशील देशों में सहकारिता। भाई जब आप ना वर्ल्ड मैप देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, जो भी विकसित देश हैं, ठीक है, मोस्टली अधिकांश ऐसा ही है, मतलब आप कह सकते हो कि 95% ऐसा ही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो उत्तर में वर्ल्ड मैप में आप देखोगे कि जो उत्तर के देश हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो विकसित देश हैं, विकसित, ठीक है, और जो दक्षिण में आते हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, दक्षिण अमेरिका के हों, एशिया के हों, किसी भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के ले लीजिए, ठीक है, तो भाई वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक देश है, ठीक है, तो वो क्या है, वो विकासशील है, ठीक है, वो विकासशील है, यानी कि अभी वो डेवलप मतलब हो रहे हैं, विकासशील है। ठीक है, तो जो साउथ साउथ संवाद है, साउथ साउथ संवाद मतलब क्या हो गया कि मतलब जो साउथ का साउथ के साथ संवाद है, तो साउथ साउथ संवाद किससे हो गया कि विकासशील देशों में सहकारिता। अब क्या है कि जो साउथ में सारे देश हैं वो कैसे हैं, विकासशील हैं, अगर वो आपस में बातचीत करेंगे, समझौते करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, विकासशील देशों में सहकारिता कहा जाएगा। ठीक है, एक और इसका संवाद मतलब एक और चर्चित है, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं भाई उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण संवाद। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर में कौन से देश हो गए, विकसित देश हो गए, दक्षिण में कौन से हो गए, विकासशील हो गए, तो क्या कहा जाता है इसको, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच में शिखर बैठक, या फिर इनके बीच में जो संवाद होता है उसको क्या कहा जाता है, उत्तर दक्षिण संवाद, या फिर दक्षिण उत्तर संवाद, जो भी आप चाहें कहिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे ये पूछा जाता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक में है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है, जो सिंबल है, उसमें क्या है, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, चमकीले पीले आधार पर हरा केंद्र भाग, हल्के नीले आधार पर काला केंद्र भाग, या फिर हल्के सफेद आधार पर नीला केंद्र भाग। तो इन चारों में से आप बताएंगे, बताइए जी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक में क्या है, बहुत बड़े समता जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। ठीक है, मैंने आपको फ्लैग इसका बताया था कि जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, स्काई ब्लू सा होता है, ठीक है, हल्का नीला होता है, और उस पर व्हाइट कलर से बना हुआ होता है, ठीक है, बीच में वर्ल्ड मैप होता है, और उसके दोनों तरफ क्या होती है, उसके दोनों तरफ होती है आपकी जो ओलिव की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स जो होती हैं। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप ये बताएंगे, मैं बता चुकी हूँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चलिए बहुत ही बढ़िया, कहाँ पर है भाई, पेरिस में है। ठीक है, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 195 इसके मेंबर्स हैं, तो इसका पेरिस में हो गया हेडक्वार्टर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया,
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है भाई 47 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता। इस पर हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन देखा था, उस पर हमने डिस्कशन किया था, तो आप बताएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार है उसके अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता। शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा विभाग, तो इन चारों में से आप बताएंगे कि कौन सा उसमें नहीं शामिल होता, कौन सा अधिकार नहीं आता है बाल अधिकारों के अंतर्गत। चलिए बहुत बढ़िया, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, विवाह, यानी कि मैरिज जो है वो बाल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, मैंने आपको बताया था कि जो ये अधिकार बनाए गए थे, ये अधिकार समझौता 1989 में लेकर आया गया था, ठीक है। तो भाई इसमें क्या था कि चार सिद्धांतों पर ये टिका हुआ था, कौन कौन से थे, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास और सहकारिता, ठीक है। तो उनमें विवाह जो है एक अधिकार नहीं है, बाकी के जो है ये अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा देश है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, स्विट्जरलैंड, चीन, जापान, यूक्रेन। तो इन चारों में से कौन सा है भाई, बिल्कुल चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। मैंने आपको बताया था 5 सदस्य हैं, कौन कौन से, चीन, रसिया, यूके, यूएस और कौन सा रहोगे हमारा, फ्रांस, ठीक है। तो ये जो 5 सदस्य हैं वो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल जो होते हैं यूएन के, उसके स्थायी सदस्य हैं, बाकी के जो 10 सदस्य हैं वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, हर 2 साल के अंतराल पर उनको चुना जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी कि मॉनेटरी फंड, ये क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जाते हैं, तो आप रट लीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी कि जो मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का भी और आपका किसका जो IMF है, दोनों का कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है हेडक्वार्टर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, एशियन विकास बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हम इसे ADB भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है भाई, इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो, मनीला। तो इन चारों में से आपको आंसर करना है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया समता जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, कहाँ पर है भाई, मनीला में, ठीक है, मनीला में है, और मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, आप जानते हैं कि आप इससे याद रख सकते हैं, फिलीपींस की सरकार ही कौन सा पुरस्कार देती है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है, ठीक है। तो मनीला वहाँ की राजधानी होगी, तो जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, मनीला में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि जो ADB है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी, अगर पर्टिकुलर डेट तो नहीं पूछते तो भाई मैं बता देती हूँ, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसके टोटल मेंबर कितने हैं, तो भाई 68 इसके मेंबर्स हैं, इसके सदस्य कितने हैं, तो 68 इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो इनसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए भाई, आई होप आपको जो है क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आपके साथ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो भाई उनसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ में उन लोगों को भी लाभ मिले, और जब क्लास में अच्छी एक मतलब स्ट्रेंथ होती है तो है ना, मतलब पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। और हमारी जो पॉलिटी वाली क्लास है भाई, 5 बजे से क्लास होगी भाई, 2 दिन से क्या है कि रेगुलर से हो रहा था, मौसम ख़राब होता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ की नेटवर्किंग जो है वो चली जाती है, फिर मतलब आपकी क्लास बीच में रुके मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो 5 बजे जो है आपकी पॉलिटी की क्लास है, तो सभी लोगों को आना है पॉलिटी वाली क्लास में। चलिए बस जो है इसी क्लास को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, थैंक यू सो मच, मिलूँगी आपसे 5 बजे, धन्यवाद।